दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 759 नए पदों पर होगी भर्ती, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी मंजूरी। यह देखिए बड़ी खबर है, राज्य के विभिन्न विभागों में 759 पदों पर नियुक्ति होगी। कैबिनेट ने इन पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। इनमें सबसे अधिक 534 पद योजना एवं विकास विभाग के हैं। राज्य के सभी 534 प्रखंडों में एक एक कनीय क्षेत्र अनिवेशक तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार खेल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए 31 पद सृजित हुए हैं। वही देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षक के 64 पद सृजित किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में ओटी सहायक के 44 पद, विधि विभाग में 74 पद और विशेष न्यायालय के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 8 पदों का सृजन किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में आने वाले दिनों में 5 डिग्री तक गिरेगा पारा, 13 जिलों में बड़ी ठंड, गया में तापमान 15.9 डिग्री तक पहुंचा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में इस हफ्ते से ठंड बढ़ने शुरू हो जाएगी। इस दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक नीचे जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं देखिए खासकर रात के समय में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अधिकतम तापमान में फिलहाल ज्यादा कमी नहीं आएगी। मौसम विभाग के अनुसार 13 नवम्बर के बाद से तापमान गिरने की संभावना जताई जा रही है। वहीं देखिए प्रदेश देश के 13 शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसमें सिवान, वाल्मीकि नगर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, गया, वैशाली, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, भागलपुर, पूर्णिया और सबौर शामिल है। वहीं देखिए मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में गया सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 20.6 डिग्री जबकि बेगूसराय में 17 और नवादा में 17.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं देखिए मौसम विभाग के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि इसकी दो वजह है। पहला वजह यह कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, दूसरी वजह यह कि मानसून की वापसी सामान्य समय से 10 दिन बाद हुई है। बड़ी खबर में देखिए, सीएम नीतीश ने कहा 50% से बड़े आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण तो ठीक है लेकिन जाति जनगणना हो। जी हां देखिए, देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलने वाले 10% आरक्षण पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने आदेश दिया कि देश में स्वर्णों को भी मिलने वाला 10% आरक्षण जारी रहेगा। तो वहीं देखिए इस फैसले के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण तो ठीक है लेकिन बिहार में अगर एक बार जाति आधारित जनगणना हो जाती तो आरक्षण की सीमा 50% तक बढ़ाया जा सकेगा, जिससे आबादी के आधार पर लोगों को मदद दी जा सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि जातीय जनगणना बिहार में करवा रहे हैं लेकिन यह देश भर में होना चाहिए ताकि 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सके। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में जाति आधारित जनगणना जारी है। अब सीएम नीतीश कुमार ने कल संकेत दे दिया है कि अब जातीय जनगणना के आंकड़े आएंगे, उसके बाद आबादी को उसके आधार पर मदद की जा सकेगी। बड़ी खबर में देखिए, अब प्राथमिक स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य नहीं बनेंगे केंद्र अधीक्षक, इंटर व मैट्रिक परीक्षा के लिए बोर्ड ने जारी किया निर्देश। यह देखिए बड़ी खबर, बिहार में परीक्षा की पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए बिहार बोर्ड ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब इंटर व मैट्रिक परीक्षा में प्राथमिक स्कूल के प्राचार्य केंद्र अधीक्षक नहीं बनाए जाएंगे। अब मैट्रिक और इंटर परीक्षा केंद्र पर केंद्र अधीक्षक के रूप में सिर्फ माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य ही बनाए जाएंगे। बिहार बोर्ड के नए आदेश के अनुसार आने वाले इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 में किसी परीक्षा केंद्र पर प्राथमिक स्कूल के प्राचार्य को केंद्र अधीक्षक नहीं बनाया जाएगा। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र जारी किया है। बोर्ड के अनुसार आने वाले मैट्रिक और इंटर परीक्षा के केंद्र भले ही प्राथमिक विद्यालय में हो सकते हैं लेकिन वहाँ के प्राचार्य केंद्र अधीक्षक नहीं बनाए जाएंगे जबकि वो गार्डिंग में रहेंगे। बड़ी खबर में देखिए, पीएम आवास के लिए राज्य सरकार ने जारी किए 776 करोड़ रुपए। जी देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 776 करोड़ 33 लाख जिलों को जारी किया है। वही देखिए ग्रामीण विकास श्रवण कुमार ने बताया कि जिलों को निर्देश दिया गया है कि चयनित लाभुकों के आवास का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करवाए। साथ ही देखिए मंत्री ने बताया कि केंद्र से वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के लिए 27,12,795 का लक्ष्य
प्राप्त हुआ था। लक्ष्य के विरुद्ध 26,99,150 आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध 25,63,488 आवासों को पूर्ण कराया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10,30,585 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध 9,96,688 आवासों की स्वीकृति दी गई। इनमें 6,48,585 आवासों को पूर्ण करा लिया गया। बाड़ेकर में देखिए, बिहार स्कॉलरशिप योजना 2023 की घोषणा कर दी गई है। जाने किसे मिलेगा लाभ, कैसे करना है आवेदन। यह देखिए बड़ी खबर, बिहार सरकार ने बिहार छात्रवृत्ति योजना 2023 ओबीसी SC ST की घोषणा कर दी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। वही देखिये, इसके तहत सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा प्रदान जाएगी। वही देखिये, इन योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलेगा। इसका लाभ उन छात्र छात्राओं को देना है जो पढ़ाई में बेहतर रिजल्ट लाते हैं लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई करने में असमर्थ होते हैं, किंतु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा। बिहार स्कॉलरशिप स्कीम 2023 का लाभ लेने के लिए सभी इच्छुक छात्र छात्राओं को आवेदन देना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं को आवेदन ऑनलाइन करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मांगी गई सभी जानकारी देना अनिवार्य है। बाड़ीघर में देखे, राज्य में कटिहार की हवा सबसे जहरीली, पटना समेत 4 शहरों में AQI 300 के पार। ज्यादा के बाड़ी खबर, बिहार में मौसम सर्द होता जा रहा है। शाम को और सुबह में धुंध और कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। इसके बावजूद पिछले कुछ दिनों की तुलना में हवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। कई शहरों में हवा में जहर और घातक पदार्थ की मात्रा बढ़ी है। लेकिन देखिए, इसी बीच राजधानी पटना में एक इलाके की हवा आज भी मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। पटना के समनपुरा सेंटर पर दोपहर बाद AQI 303 पाई गई है, सबसे खराब स्थिति, जहाँ पर AQI 357 है। बेगूसराय और सिवान में भी हालात चिंताजनक है। बाड़ीघर में देखिए, कोडनी में भी तेजस्वी की RJD का खेल खराब करेंगे ओवैसी, AIMI का उपचुनाव लड़ने का ऐलान। यह देखिए बड़ी खबर, बिहार के कोडनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM डिप्टी CM तेजस्वी यादव की RJD का खेल बिगाड़ेंगे। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने कोडनी में उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में गोपालगंज में हुए चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारा था और 12,000 से ज्यादा वोट हासिल कर RJD को नुकसान पहुंचाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा, वहीं वोट की गिनती 8 दिसंबर को होगी। नामांकन की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि RJD के अनिल सहनी के LTC घोटाले में सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद कोडनी में उपचुनाव की नौबत आई है। महागठबंधन से इस सीट पर RJD के ही किसी उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की संभावना है। बाड़ीघर में देखिए, नीलम देवी के नीतीश कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा, कार्तिकी के जगह बनेगी मंत्री। यह देखिए, बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब नीतीश कैबिनेट के विस्तार की चर्चा शुरू हो गई है। नीतीश सरकार में 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब उनकी जगह नए मंत्रियों को शामिल होना है। बता दें कि कार्तिकी सिंह और सुधाकर सिंह 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। दोनों राजद कोड़े से ही मंत्री थे। इनके इस्तीफे के बाद राजद कोड़े के दूसरे मंत्रियों के पास उनका विभाग चला गया, लेकिन कैबिनेट में राजद के मंत्रियों की संख्या कम हो गई है। अब ऐसे में नीतीश कैबिनेट के विस्तार की बात हो रही है। देखना है कि इस विस्तार में किन विधायकों को मंत्री पद मिलता है। वही देखिए बड़ी खबर है कि मोकामा से जीत दर्ज करने के बाद आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी के नीतीश कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा सत्ता के गलियारों में शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि नीलम देवी को मंत्री पद मिल सकता है। वही आपको बता दें कि कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे कार्तिक सिंह को एक पुराने आपराधिक मामले को लेकर पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश कैबिनेट में यह पद अब तक खाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब नीलम देवी की जीत के बाद लालू प्रसाद कार्तिक सिंह की जगह मंत्री पद के लिए नीलम देवी का नाम आगे बढ़ा सकती है। बाड़ीघर में देखिए, तेजस्वी का निर्णय, 6 जोन में बढ़ेगा बिहार का मरीन ड्राइव। जहाँ देखिए, बिहार में अपने मरीन ड्राइव JP गंगा पद को विश्व स्तरीय सुविधा के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर को विकसित करने के संबंध में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पद निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने एक महत्वपूर्ण बैठक किया। इस बैठक में तेजस्वी ने गंगा किनारे बने JP गंगा पद पर सुविधाओं को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पद निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने बैठक करके यह निर्णय लिया कि गंगा किनारे बने JP गंगा पद पर 6 जोन में बढ़ा जाएगा। तेजस्वी ने मरीन ड्राइव को कल्चरल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, सीनियर सिटीजन तथा किड्स जोन में बांटने का निर्णय लिया है।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे हुआ पूरा। यह देखिए बड़ी खबर, बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। 350 किलोमीटर के गति से दौड़ने वाले ट्रेन का ट्रैक पूरी तरह एलिवेटेड होगा। आपको बता दें कि राज्य के तीन शहरों बक्सर, पटना और गया में रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। पटना में स्टेशन बनाने के लिए बिहटा और एम्स के पास तीन जगह प्रस्तावित है। टीम ने सर्वेक्षण करने के बाद सुबह के अधिकारियों के साथ DPR पर मंथन किया। अब एलिवेटेड ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी गई है। पटना में स्टेशन की जगह जल्द ही तय कर दी जाएगी। हाई स्पीड ट्रेन संचालित करने का उद्देश्य प्रमुख राज्यों की राजधानी और धार्मिक स्थल को जोड़ना है, इसलिए उसी के अनुसार रूट तैयार किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि हाई स्पीड ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। कम समय में अधिक दूरी तय करने के उद्देश्य से जापानी तकनीक पर आधारित रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाना है। बड़ी खबर में देखिए, BPSC ने स्थगित किया DPRO की परीक्षा। 16 नवंबर से 18 नवंबर तक होना था एग्जाम। जी देखिए बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क अधिकारी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बता दें कि अभी तक DPRO की परीक्षा की तिथि 16 नवंबर से 18 नवंबर तक घोषित की गई थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। वहीं अब BPSC की ओर से बीते सोमवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पीने वालों से ज्यादा सख्ती अब शराब के धंधेबाजों पर होगी। जी देखिए बड़ी खबर, बिहार में शराब का धंधा करने वालों पर सख्ती और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब के सप्लाई चेन को ध्वस्त करने का निर्देश पुलिस और महानिषेध विभाग को दिया है। वहीं देखिए CM ने बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब के धंधों में लिप्त लोगों पर सख्ती बढ़ेगी। उन्होंने शराब की आपूर्ति और बिक्री के खिलाफ अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को शराबबंदी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारी को यह निर्देश दिया है। कहा कि शराब के सप्लायर, तस्कर व बेचने वालों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करें। वहीं देखिए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि पीने वालों की अपेक्षा शराब की तस्करी और इसके धंधे में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करना और उन्हें सजा दिलाना सरकार की प्राथमिकता होगी, पर ऐसा नहीं है कि शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, नए साल में 50 पैसे यूनिट महंगी हो सकती है बिजली। जहाँ देखिए बड़ी खबर है, अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी हो सकती है। आपको बता दें कि बिजली कंपनी के पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला दिया है। आयोग ने बिहार में अगले वित्तीय वर्ष यानी 23-24 में 32,587 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति की शर्त के साथ बिजली दर बढ़ाने की याचिका मंजूर की है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।